भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टी शर्ट ने सबका ध्यान खींचा है। दरअसल उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग कई तरह के गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट में ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है और कहा है कि राहुल गांधी देश के हित में सेना को बताएं कि वो कौन सी दवा खाते हैं जिससे वो इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहनते हैं। गौरतलब है कि जेपी दलाल शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने राहुल की टी शर्ट पर सवाल किए। उन्होंने कहा, मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं, सर्दी के मौसम में ऐसी कौन सी दवा राहुल जी खाते हैं कि हाफ टी शर्ट में भी उन्हें ठंड नहीं लगती। अगर ये फॉर्मूला हमारे सैनिकों को जो हिमालय पर रहते हैं मिल जाए तो देश के प्रति उनका बड़ा अच्छा योगदान होगा। वहीं बीजेपी नेता के सवाल पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की स्किन थिक है इसलिए ठंड कम लगती है, बाकी वे ही बताएंगे। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा को 107 दिन हो चुके हैं, तब से राहुल व्हाइट रंग की टी शर्ट ही पहन रहे हैं। उनकी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है, जिस वक्त काफी धुंध रहती है, तापमान काफी कम रहता है। हरियाणा में यात्रा के वक्त यहाँ के नेता भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी जैकेट और मफलर पहने दिखे, लेकिन राहुल सिर्फ टी शर्ट में चल रहे थे।